वेलकम टू माई चैनल सुचीश रान्नार बहार। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर के आई हूँ। अभी जो है विंटर जाने वाली है, धीरे धीरे करके जा रही है, तो मैं सोची कि विंटर जाने से पहले क्यों ना एक विंटर का एक रेसिपी बनाया जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर के आई हूँ, वो है कोलकाता स्टाइल चिकन स्ट्यू। कोलकाता स्टाइल चिकन स्ट्यू मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, बट उसका जो बनाने का मेथड है वो बिल्कुल डिफरेंट है और टेस्ट भी डिफरेंट है। और आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसका भी बनाने का मेथड एंड जो टेस्ट है वो एकदम डिफरेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर चलिए आज का जो रेसिपी है वो बनाना शुरू करते हैं। तो कोलकाता स्टाइल चिकन स्ट्यू बनाने के लिए मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा साइज का चिकन का पीसेस ले ली हूँ। कुछ वेजेस का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ब्रोकली, पोटैटो, कैप्सिकम, कैरेट और बीन्स का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें आप पपाया भी ऐड कर सकते हो। तो फिर चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्यूब्स ऑनियन। मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज का ऑनियन को इस तरह से क्यूब्स कर ली हूँ। कुछ होल्स यहाँ पे स्पाइसेस हैं, जैसे कि एक दालचीनी ली हूँ, दो मैं यहाँ पे ली हूँ छोटी इलायची, चार लौंग, एक तेज पत्ता, एक ग्रीन चिली ली हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अरारूट का यूज करूँगी। बटर और ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ पे मैं ली हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट और सॉल्ट। तो फिर चलिए कोलकाता स्टाइल चिकन स्ट्यू मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट के लिए सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं सारे चिकन को। इसको हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा बटर ऐड कर देती हूँ। अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ पूरे बटर को कढ़ाई में। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये सारे खड़े मसाले। ग्रीन चिली और थोड़ा सा जो ऑनियन में रखी थी क्यूब निकाल के वो ऑनियन अच्छे से चला लूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैरिनेट किया हुआ जो मैं चिकन रखी थी उसको। अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसको हम मीडियम फ्लेम में ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। चलिए 5 मिनट के बाद ढक्कन को खोल के देखते हैं। अब
अब इसमें हम ऐड कर देंगे वेजीज। और थोड़ा सा ऐड करेंगे बस से सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। विंटर के टाइम पे इतनी सारे वैरायटी अवेलेबल रहती है वेजिटेबल्स की कि इस तरह का जितने भी हेल्दी फूड्स हैं उसको खाने का मजा ही अलग है। ये पेशेंट, बच्चे, बुजुर्ग सब कोई इसे खा सकता है। इस वेजेस को देने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं चिकन के साथ और फिर से वेजेस को हम 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे। फाइव मिनट्स के बाद ढक्कन खोल के देखते हैं। वेजिटेबल्स जो है वो हाफ कुक हो गई है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी की क्वांटिटी आप उतना ही रखिएगा जितना कि आपको स्टू बनाना है। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं फिर से ढक देती हूँ जब तक कि ना अच्छे से इसमें एक बॉयल आ जाए। बहुत अच्छे से एक उबाल आ गई है इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ एरोरूट। इसको मैं पानी में थोड़ा सा घोल ली हूँ। इससे स्ट्यू में एक हल्का सा एक थिकनेस आएगी। एरोरूट को ऐड करने के बाद और 5 मिनट्स के लिए इसको हम ढक देते हैं। चिकन स्ट्यू बनके एकदम रेडी हो गई है, तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन स्ट्यू को सर्व कर लिया है और इसको मैं सर्व कर रही हूँ विथ ब्रेड। तो मेरी आज की ये कोलकाता स्टाइल चिकन स्ट्यू की रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। घर में ट्राई करिएगा और अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल बी बैक वेरी सून विथ another blog or another recipe video. Thanks for watching and take care.